साथियों सुप्रभात, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कोटा शहर के बारे में। कोटा यानी कि कामयाबों का शहर, कोटा यानी कि शिक्षा की काशी, कोटा यानी कि कोटा कचौड़ी, कोटा थर्मल, कोटा की चंबल नदी और मुकुंदरा टाइगर हिल के लिए देश भर में जाना जाने वाला युवाओं का शहर। साथियों, कोटा में मिनी इंडिया बसता है और कामयाबी की राह पर चलने के लिए प्रतिवर्ष यह शहर लाखों युवाओं को नीट और आईआईटी क्रैक करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। साथियों, कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ के उद्योगों ने दम तोड़ना शुरू किया, उद्योग बंद होने लगे और धीरे धीरे कोटा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। साथियों, ऐसे निराशा भरे दौर में जेके फैक्ट्री से निकले हुए कुछ बेरोजगार इंजीनियर्स ने कोटा को शिक्षा की काशी, कोचिंग नगरी बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया और धीरे धीरे कोटा फिर से नमक हलाल फिल्म की इन पंक्तियों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। साथियों, नमक हलाल फिल्म की ये पंक्तियाँ कोटा के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना फसाना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह 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 वाह। साथियों, कोटा की कामयाबी धीरे धीरे रंग डालने लगी और धीरे धीरे कोटा अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया आदरणीय श्री वीके बंसल साहब ने और उनके साथ एलएन के श्री राजेश माहेश्वरी, श्री ब्रजेश माहेश्वरी, डॉक्टर बीवी राव आदि अनेकों शिक्षाविदों ने शहर को फिर से खड़ा किया और पूरी दुनिया कोटा की सफलता को लेकर वाह वाह कर चुकी। साथियों, पिछले दिनों कोविड के बाद इस वर्ष फिर से कोटा के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, जब कोटा में हो रही आत्महत्याओं को लेकर देश भर के मीडिया ने कोटा को डिफेम करना शुरू किया। साथियों, यह हम सभी कोटावासियों के लिए एक चुनौती की घड़ी है। इस चुनौती को हम स्वीकार करें और कोटा को फिर से कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में अपना अपना योगदान दें। साथियों, आइए हम शिक्षा की काशी कोटा नगरी को फिर से कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप जिस स्थिति में हैं, जहां पर भी हैं, कोचिंग विद्यार्थियों के लिए सहायक बने, कोटा की प्रतिष्ठा को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, स्वीन चिकित्सालय, कोटा।